काफी समय से समझ रहे हैं और हमने ये समझा है कि टेस्टोस्टेरोन ही है जो अल्टीमेटली बॉल्डनेस करता है। तो लोगों को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन क्योंकि डीएचटी में जाके कन्वर्ट होता है, डीएचटी जाके बालों के फॉलिकल्स पे चिपकता है, वो बालों की रूट्स को कमजोर करता है, इसलिए वो टूट जाते हैं और इसीलिए हम बॉल्ड हो जाते हैं। बट इससे उसका मतलब ये निकलता है कि अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो हम ज्यादा जल्दी बाल लूज आउट करेंगे और हम बॉल्ड हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि आपके जो बालों पर रिसेप्टर होता है, जब उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो जब उस पर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो उस पर डीएचटी ज़्यादा चिपकेगा, तो इसलिए आप जाके बॉल्ड हो। तो ये जो सेंसिटिविटी होती है हेयर फॉलिकल रिसेप्टर की, वो आपके जीन से कैरी फॉरवर्ड होती है। तो इसीलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है कि आपके फादर के बाल कम थे या दादा के बाल कम थे और इसलिए वो जीन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब आपके हेयर फॉलिकल्स की सेंसिटिविटी ज़्यादा है और इसलिए उस पर डीएचटी ज़्यादा चिपकेगा और इसीलिए आपको बॉल्डनेस होगी। तो इसीलिए हम हमेशा आपके जब भी हेयर फॉल की हिस्ट्री या हेयर लॉस की हिस्ट्री लेते हैं तो आपके जेनेटिक्स के बारे में ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि उससे हमारे लिए समझना ज़रूरी होता है कि अल्टीमेटली आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा और आपको किस टाइप का मेल पैटर्न बॉल्डनेस दिखने वाला। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC Trichology को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।